भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान के बाद दोनों पार्टियों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कौन सा टाइगर जिंदा है, पेपर का टाइगर जिंदा है कि सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में टाइगर के साथ साथ तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है जो सज धज कर शादी में नाचता है, एक रेस का घोड़ा होता है, इसी प्रकार कई तरह के टाइगर भी होते हैं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन इस सरकार के अंत को निर्धारित कर रहा है। जहां तक प्रश्न चरित्र का है, प्रदेश की जनता इन गद्दारों से मांग रही है 24 चुनावों में जनता उत्तर देगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। हाँ। शादी का घोड़ा होता है, सज सजा के नाचने जाता है शादी में, एक रेस का घोड़ा होता है, इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। आज 100 दिन बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें 14 मंत्री वो बनाए गए जो आज विधायक भी हैं। इसका मतलब है कि कितने दबाव में सरकार और ये मंत्रिमंडल बना है स्पष्ट होता है। कुछ लोग चरित्र की बात कर रहे हैं। चरित्र तो देश की और प्रदेश की जनता मांग रही है कि हमने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, आपने 15 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने वोट को बेच दिया, हमारे वोट को बेच दिया। तो चरित्र की जनता जिसने वोट दिया तो सर्टिफिकेट मांगेगी। रही बात टाइगर बनने का, बहुत शौक है सबको, तो टाइगर जो अपने आप को समझता है उसको याद रहना चाहिए, कमलनाथ बब्बर शेर है, जब चाहेंगे आपको पंजे में दबा देंगे। जहाँ तक प्रश्न है सीटों के, 24 सीटों की चुनौती का, स्वीकार है एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, आपसे दो दो हाथ करेंगे और 4 सीट जिस दिन आप इन 24 सीट में से ले जाओगे तब हम मानेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता के चरित्र का, लोकतंत्र के चरित्र का चीरहरण किया आपने, उसके बाद आपको क्या सबक मिला। मैं मानता हूं कि ये मंत्रिमंडल जो बना मध्य प्रदेश का जो भविष्य अंधकार में है, मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं, कांग्रेस पार्टी 2 महीने की सरकार को फिर 24 चुनाव जीतकर कांग्रेस के वो सारे वादे जिसमें कर्ज माफी से लेकर 150 रुपये 150 यूनिट तक की बिजली जैसे सारे लोग हितैषी काम फिर से चालू करेगी। और इस मंत्रिमंडल का जो भयावह चेहरा सामने मध्य प्रदेश के आया है वो आप सबने देखा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।